नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक सुंदर सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, चाहे बच्चों के स्वेटर में, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझें। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो हम ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, सिलाई में 2 बार ऊन लपेटेंगे और सीधा बुन लेंगे। हमें प्रत्येक फंदे को सीधा बुनना है, लेकिन सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए तब सीधा बुनना है। प्रत्येक फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लेंगे। दो बार ऊन लपेटेंगे, सीधा बुन लेंगे। दो बार ऊन लपेटेंगे, सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई में 2 बार ऊन लपेटकर सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। अब हम 6 फंदों को खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पहले, दूसरे, तीसरे फंदे को 22 सिलाई मिलेंगे और चौथे, पांचवे, छठे फंदे को 25 सिलाई मिलेंगे। और फिर ऐसे क्रॉस करते हुए वापस इसे 22 सिलाई में चढ़ा लेंगे और सभी फंदों को, यानी 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब फिर नेक्स्ट 6 फंदे खोलेंगे और पहले, दूसरे, तीसरे को 22 सिलाई में, चौथे, पांचवे, छठे को 25 सिलाई मिलेंगे। ऐसे क्रॉस करेंगे, वापस इन्हें 22 सिलाई में चढ़ा देंगे और 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट 6 फंदा खोलेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे को 22 सिलाई में, चौथे, पांचवे, छठे को 25 सिलाई मिलेंगे। वापस इसे सारे फंदों को 22 सिलाई में कर लेंगे और 6 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह हम 6 फंदों को खोलते जाएंगे, उनको आपस में ट्विस्ट करते जाएंगे और फिर सभी को उल्टा बुन लेंगे। छः फंदों को खोलते हुए, उनका आपस में जगह बदलते हुए सारे फंदे बुने जा चुके हैं। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। अब दूसरे रंग के ऊन से 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 और 3। फिर चौथे फंदे से हम 2 बार ऊन को लपेटेंगे और सीधा बुनते जाएंगे। दो बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए सभी फंदों को सीधा बुनते जाएंगे और सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। अब ये लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो दूसरे रंग के ऊन से बुनते समय हमने 3 फंदे शुरू के
सीधा बुन लिए हैं और तीन फंदे लास्ट के सीधा बुने हैं। बाकी फंदों को, बीच वाले सभी फंदों को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुना गया है। अब ये फोर्थ रो है और रॉन्ग साइड, तो तीन फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लिया और दो फंदा उल्टा बुन लिया। तीन फंदे उल्टे बुने जा चुके हैं। अब नेक्स्ट छः फंदों को हम खोलेंगे और फिर उनको आपस में ट्विस्ट कर देंगे। छः फंदों को उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट छः फंदे हम खोलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा फंदा बाएं सिलाई में लेंगे और चौथा, पांचवा, छठा फंदा दाहिनी सिलाई में लेंगे। अब देखिए, ये फंदा हमेशा ऐसे ऊपर से ही जाएगा और इन छः फंदों में और सभी को उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट छः फंदे खोलेंगे। पहले दूसरे तीसरे फंदे को बाएं सिलाई में और चौथे, पांचवे, छठे को दाहिनी सिलाई में। अब ये फंदा ऐसे ऊपर से जाएगा और देखिए ऐसे इसको क्रॉस करेंगे और फिर इन तीन फंदों को भी बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और छः को उल्टा बुन लेंगे। और लास्ट में तीन फंदा आएगा जिसे हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चार रो का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाना होगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।